14 अप्रैल का दिहाड़ा बहुत ही खास हुंदा है क्योंकि इस दिन डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का जन्म दिहाड़ा हुंदा है। 14 अप्रैल 1891 नूं दलित समाज विचों उठे संविधान रचेता बी आर अंबेडकर जी का जन्म दिहाड़े नूं समर्पित हरेक 14 अप्रैल नूं फंक्शन कराया जाता है। इस वेले असी रूपनगर के अंबेडकर चौंक विखे खड़े हैं जिथे कैमरामैन नूं कहांगे इत्थे दा दृश्य दिखाया जावे अंबेडकर चौंक दा किवें सजाया गया है कल दी तैयारियां दे लई। इत्थे दे क्लब मैंबरां नाल भी गल्लबात करांगे जाणांगे की आ कल दा फंक्शन दीआं तैयारियां किवें दा रहेगा अंबेडकर जयंती दा फंक्शन। आओ गल करदे हां, आओ गल करदे हां क्लब मैंबरां नाल। साडे नाल इस वेले मंगल पट्टी जी मौजूद ने, साढ़े ना मास्टर हवेली जी ने। सर कल दी किवें दी तैयारियां ने, की कुछ खास रहेगा कल? कल नूं बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का 131वीं जयंती जिहड़ी है पूरे देश के विदेशों के अंदर भी मनाई जा रही है। साढ़े डिस्ट्रिक्ट मुकाम के उपर बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जागृति मंच बनाया होया जिन्हां दी बदौलत साड़ी जथेबंदी ने बाबा साहब अंबेडकर का लगभग 5 साल पहला ये बुत जिहड़ा इस चौंक दे विच शोभ कीता सी। सो बाबा साहब अंबेडकर दे जन्मदिन के संबंध में कल बहुत कुछ वधिया होएगा जिहदे साड़ी कोरियोग्राफी है रोमी घड़ामे वाला कलाकार वो अपने विचार भी रखेंगे। तर्कशील सोसायटी के जिहड़े आगू है वो अपने जिहड़े आ ट्रिक्स द्वारा लोगों नूं निहाल करनगे और बाबा साहब अंबेडकर के जीवन के उपर बहुत सारे बुलारे जिहड़े हैगे आ वधिया शब्दों के विच रोशनी पाउणगे और नाल होर गीत संगीत का प्रोग्राम भी है। उसके बाद सारे संगतां दे वास्ते जिहड़ा हैगा लंगर पानी का व्यवस्था जिहड़ी उह वधिया ढंग दे नाल कीती गई है। समां किन्ना दा होवेगा जी? समां लगभग 10:30 बजे सवेरे प्रोग्राम साडा शुरू हो जाएगा जी, लगभग 2:30 बजे तक साडी जिहड़ी समाप्ति हो जाएगी ये प्रोग्राम। ठीक है, ये ने साडे नाल क्लब मैंबर। कल 14 अप्रैल नूं डॉक्टर भीम साहब अंबेडकर जी के जन्म मौके जन्म दिहाड़े मौके एनीमेशन मूवी भी रिलीज़ हो रही है, आओ जानते हैं मूवी बारे। सर किवें दी है मूवी, कदों किस टाइम रिलीज़ होगी, कितना समा होएगा, किस थिएटर होएगी? कल अंबेडकर जयंती के शुभ दिहाड़े के उत्ते जय भीम नाँ की जिहड़ी कि एनीमेशन मूवी डॉक्टर एस एल विरदी जी उन्होंने यत्ना सदका जिहड़ी ये मूवी बनी है वो रिलीज़ होने जा रही है 14 अप्रैल नूं ते JR थिएटर दे विच लगेगी। कल शामी 4:15 बजे तो लैके 6:30 दे लमसम समाप्ति होवेगी इस मूवी की। तो सारे स्रोतियां नूं समाज नूं अपील है कि वध तो वध मूवी देख के जी TRP वधाओ ता कि आने वाले समय के इहो जिहियां जिहड़ियां समाजिक मुद्दियां वालियां फिल्मां है वह बनन। धन्यवाद जी। इस मूवी ना नौजवानों नूं की संदेश जाएगा, किवें इस मूवी नूं देखणगे? जे नौजवान इस मूवी नूं देखणगे तां उह अपने जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संघर्ष करके उन्हां नूं हक लेके दित्ते है, जीण दा अधिकार दित्ता है, जॉब दा अधिकार दित्ता है, आज़ादी दा अधिकार दित्ता है, नौजवान उस नूं प्रैक्टिकली तरीके दे नाल इक करैक्टर दे जरिए देख सकणगे। ते मेरे हिसाब नाल उन्हां नूं जीवन जीण दा अलग तौर पर एक नवा तजर्बा होगा ये मूवी देख के। RTV1 भी यही अपील करता है डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का जन्म दिहाड़े मौके भी उन्होंने सिक्ख्यावान से जरूर चलना चाहिए। भारत वासियों दुनिया नू कल दे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी के 131वें जन्मदिन से लख लख मुबारकबाद देंदे हुए बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जागृत मंच वालों भी कल जन्मदिन मनाया जा रहा है वो इस करके मना पै रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ने दुनिया में किरती लोगों कमी लोगों विकासशील लोगों एक मंत्र दिता, पढ़ो जुड़ो तो संघर्ष करो। उन्होंने बहुत सख्त मेहनत करके 1907 के पहले दलित ने जिन्होंने मैट्रिक की, उस तो बाद उन्होंने MA 2 सब्जैक्टों MA 3 सब्जैक्टों PhD होर बड़े बड़े बुक्स लिखिया। बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान 395 आर्टिकल 12 अनुसूचियां देखे गए 40 विशेषतावान ऐसा देखे गए है जो कि भारत वासियों एक चानम नारा
आओ आप अज एक संकल्प लीए बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी के सुपने पूरा करने के लिए देश की एकता अखंडता मेनटेन रखने के लिए आप बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा अपनाइए पढ़ो लिखो जुड़ो तो संघर्ष अपनाइए जय भीम जय भारत।